यह छह कारणों से आपके पास में या आपके घर में पैसा टिकता नहीं है, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, अकोला, पुणे यहां प्रैक्टिस करता हूं। काफी सारे लोग बोलते हैं कि हम कमाते जरूर मगर हमारे पास में पैसा टिकता ही नहीं है, हमारे यहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं है, हम पैसा जमा नहीं कर सकते, आता है चले जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। तो इसमें क्यों, कारण क्या है? तो नंबर एक कि उनको अपना इनकम कितना है, आवक कितनी है और जावक कितनी है, इसके बारे में कुछ मालूम ही रहता नहीं है। हम कितना कमा रहे हैं हर महीने में, कितना खर्चा कर रहे हैं, कोई तालमेल नहीं, कहीं लिखा नहीं है। तो यहां से लिखना चालू करो कि हम कैसा कमा रहे, कहां से कितना कमा रहे और जा रहा कितना, नंबर एक। नंबर दो, जो लोग आलसी बना करते हैं और धंधे नौकरी पे जाते नहीं, दुख हो गया तभी जाना नहीं, दुख हो गया तो नहीं, अभी दुख हो गया बस अभी 13वीं तक जाएंगे इन लोग, कोई मर गया तो भी 13 दिन घर में बैठेंगे, या कोई बहुत अच्छा काम हो गया, बहुत सेलिब्रेशन वाला एक आना, मतलब ब्रेक थ्रू मिला या ऐसा कोई बड़ा काम हो गया तो फिर और 8-10 दिन घर में बैठ जाएंगे, खर्चा भी करेंगे, पैसा भी बहुत बर्बाद करेंगे और काम पे भी जाएंगे नहीं, या छुट्टी लेंगे और छुट्टी मनाएंगे। तो नंबर तीन, पैसे की ज्यादा मतलब बर्बादी करना, बहुत ज्यादा बर्बादी, तो कंजूसी करना अलग है। मैं बोलता हूँ कंजूसी मत करो, मतलब कंजूसी करना, जहां खर्चा करना वहां करो। ऐसा भी समझो, मैं ये कमरे में बैठा हुआ है तो यहाँ गर्मी है तो मैंने एसी लगाया तो ठीक है, मगर बाजू कमरे में कोई बैठा नहीं है और वहां पंखा चालू है, एसी चालू है, ट्यूबलाइट चालू है और वहां का बिल हम भर रहे हैं, तो ये बर्बादी है पैसे की। तो जहां जरूरी है वहां पैसा खर्चा करना चाहिए, मगर ये लोग क्या करते हैं कि पैसा बर्बाद करते रहते, जहां जरूरी नहीं वहां भी खर्चा करते, उनको मालूम ही नहीं हम क्या कर रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नंबर तीन। नंबर चार जो है वह है कि घर में झगड़े, जो घर में झगड़े चालू रहते हैं, पति पत्नी में झगड़े, माँ बाप के साथ में झगड़े, बच्चों के साथ में झगड़े, प्यार नहीं है, झगड़ा चालू है और माँ बाप के साथ में आप जुड़े नहीं है, माँ बाप के साथ में अधूरापन है और फिर उसमें कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स है, संवाद बराबर ठीक नहीं है, छोटी छोटी बात के ऊपर लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना चिखना करते हैं, घर में अशांति है, तो वो घर में पैसा कभी टिकता नहीं है। नंबर पांच, जो लोग सेविंग नहीं करते, ऐसा एक ब्रॉड कैलकुलेशन है कि भाई आप जितना भी कमाते हैं नेट इनकम, आमदनी नहीं बोल रहा मैं, कितना नेट इनकम बचता है खर्चे जाने के बाद में, जो भी बचता है, और खर्चा कौन सा, कमाने के लिए जितना खर्चा करना पड़ता वो इनकम, उसमें से आप 30% यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास में पैसा टिकेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म नहीं, लंबे समय के लिए, कि भाई वो पैसा बाजू में रखा हुआ है और 10 साल के लिए आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, मतलब आप समझो 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो 3,000 रुपये कम से कम 30%, 3,000 रुपये आप एकदम बाजू में रख रहे कि जिसको आप हाथ लगाने वाले नहीं है और वो वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपको बाद में आमदनी मिल सकती। लोग क्या करते हैं कि थोड़ा पैसा आ गया तो घर खरीद लो, अब घर खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, उसके लिए लोन, उसका इंटरेस्ट ये भरेंगे और उसमें से कोई इनकम होने वाला है नहीं, पैसा मगर इन्वेस्ट हो जाएगा और आमदनी होगी नहीं। तो ऐसा कि जहां से आमदनी होगी वहां आप 30% इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पैसा टिकता है। और नंबर छह, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, फास्ट अर्निंग के चक्कर में अप्रामाणिकता करना, चीटिंग करना, वहां पैसा टिकता नहीं है। तो ये यदि हम देखते हैं तो आपके घर में, आपके पास में पैसा टिकेगा। जस्ट मैं समरी करता हूं कि भाई इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका तालमेल नहीं है। नंबर दो, बहुत आलसीपना है। नंबर तीन, पैसे की बर्बादी करते हैं और जहां जरूरी नहीं वहां बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे। कंजूसी बिल्कुल ही नहीं, सवाल ही नहीं, मगर प्रॉपर एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। नंबर चार, घर में झगड़े। नंबर पांच, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। और नंबर छह, अप्रामाणिकता है। तो ये डालते हैं तो डेफिनेटली आपके पास में पैसा बहुत रहेगा, आपके घर में लक्ष्मी रहेंगे, लॉन्ग टर्म में आपके पास में बहुत ज्यादा पैसा आएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी लोगों को शेयर करो ताकि लोग पैसा टिकने के, पैसा नहीं है इसके बारे में जो उनके प्रॉब्लम रहते हैं वो ठीक हो जाएंगे, उससे उनको उसका हल मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।